हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार भारद्वाज आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ माय प्लांट यूट्यूब चैनल पर। आज की जो मेरी वीडियो है आप देख सकते हैं मेरे ऑर्गेनिक किचन गार्डन के ऊपर, बिना खाद रासायनिक खाद और बिना पेस्टिसाइड के हमारा किचन गार्डन कैसे सर्वाइव कर रहा है उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों आपको पता ही है मैंने यहाँ पे नए सिरे से एक बार किचन गार्डन बनाना स्टार्ट किया था, तो इसकी ग्रोथ के बारे में बताऊँगा। ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो है और काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे आप हालात देख सकते हैं इस तरह से जो पौधे उगते हैं और सूख जाते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो कि हमारे आप देख सकते हैं जो हमने सरसों वगैरह लगाई थी वो सारी की सारी सूख रही है इस तरह से। उधर काफ़ी हरी भी है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सूख भी गई है। तो इसी के साथ बात करते हुए चलो अब लहसुन जो था इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप देख सकते हैं इसकी मैं अभी कुटाई भी कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा कबाड़ तो खाली जगह होने के कारण उग जाता है, आपको पता ही है काफ़ी जब समय से वेस्ट पड़ी हो तो वहाँ पे जो कबाड़ ही निकलता है सबसे पहले। लेकिन मैं इसकी रेगुलरली गुडाई करता रहता हूँ तो मैंने सोचा आज आपके साथ गुडाई करते करते एक वीडियो भी शेयर कर ली जाए। तो जो मूली की ग्रोथ थी, पहले जो मूली थी काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, हमने बीच से काफ़ी ज़्यादा निकाल भी ली हैं, और जो नेक्स्ट टाइम मैंने मूलियाँ लगाई थी वो भी अभी काफ़ी बड़ी होना लग चुकी हैं। और आज फिर से मैं कुछ जैसे कि मटर लगाने लगाऊंगा, तो जब उगाएंगे उसकी वीडियो भी आपसे शेयर करूँगा। और क्या है कि इसको गुडाई करने के बाद एक बात और बताना चाहूँगा, कुछ दिन समय के लिए छोड़ दें, एक दो दिन के लिए, ताकि जब तक ये मिट्टी सूख ना जाए जो हमने गुडाई की है, मिट्टी के अंदर जो एयर की सर्कुलेशन है वो बना रहे। ये भी एक तरह से खाद का काम ही करती है, और जो कबाड़ होता है वो सूख जाता है और कि मिट्टी काफ़ी हेल्दी बन जाती है इस तरह से अगर हम इसकी गुडाई करते रहते हैं। क्योंकि इसकी ये अगर हम गुडाई नहीं करते, रेगुलर पानी देते रहते हैं, उसके अंदर ऐसा कबाड़ उगता रहता है और मिट्टी के ऊपर एक काई की लेयर सी बन जाती है, जिससे प्रॉपर पूरे अच्छे तरीके से एयर सर्कुलेशन नहीं होती है मिट्टी के अंदर। तो क्या है कि हमारा पौधा ग्रोथ नहीं करता। और गोभी हमने काफ़ी ज़्यादा पहले लगा ली थी, तो इसके अभी छोटे छोटे फूल आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो पालक ये देखते हैं, इधर पालक धनिया बिल्कुल ही उगा नहीं। और आज की जो मैं बीज लगाने वाला हूँ इसके अंदर चुकंदर है, मूली है और मटर है, मेथा आप देख सकते हैं क्या हालात हैं। ये सारे के सारे अब फिर से द्वार से लगाना पड़ेंगे हमें। मटर मैं उस साइड पे साइड को लगाऊंगा सारी की तरफ, उस साइड सिरे तक, क्योंकि मटर जो ऊपर चढ़ जाएंगे इसके ऊपर। लेकिन मैं इसके अंदर कोई भी पेस्टिसाइड और अनरासायनिक खाद नहीं इस्तेमाल करने वाला हूँ, चाहे हमारे गार्डन के अंदर सब्जियाँ हों या ना हों। अब मैं बिना ही किसी पेस्टिसाइड और अनरासायनिक के खाद के बिना ही यहाँ पर खेती करने वाला हूँ। अगर आप ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे जो दोस्त नए हैं उनको एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।